सो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाद महमूद और आप देख रहे हैं कुल के बाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ जो रूमर है एमसीयू की तरफ से उड़े गए हैं, और उसमें रूमर एक सबसे बड़ा रूमर ये भी है कि टॉम क्रूज एज ए आयरन मैन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज टू इनटू इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई देंगे। तो जानते हैं कि क्या ये रूमर बिल्कुल सच है या फिर ऐसे ही एक अफवाह है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज टू यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। दोस्तों, इसमें इस मूवी जो है एमसीयू की, ये जो मूवी है दोस्तों 7 मई को 2022 को रिलीज़ होने जा रही है। तो इस मूवी में बहुत ही एक्टर्स के कैमियो होने वाले हैं। तो उनमें से एक कैमियो जो है वो हमें टॉम क्रूज एज ए आयरन मैन का भी दिखाई देने वाला है। तो जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन है और किस तरह ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर टॉम क्रूज, पहले जो हमारे फेवरेट एक्टर थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उन्होंने आयरन मैन का रोल अदा किया था और उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से इस रोल को निभाया। तो आज हम जानेंगे कि क्या टॉम क्रूज जो है वो एज ए आयरन मैन का रोल निभाने में सक्सेसफुल होते हैं या ऑडियंस उन्हें कबूल करती है इस रोल में कि नहीं। तो इसीलिए इस मूवी में जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है यानी डॉक्टर स्ट्रेंज टू, इसमें कैमियो होने जा रहा है टॉम क्रूज का एज ए आयरन मैन। तो देखते हैं कि ऑडियंस उन्हें पसंद करती है या नहीं। और दोस्तों, इसमें और बात कर लेते हैं जो फैंटास्टिक फोर हैं दोस्तों, उनके भी कैमियो इस मूवी में होने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज टू है इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के 3 वेरिएंट यानी कि 2 वेरिएंट होंगे और एक डॉक्टर स्ट्रेंज खुद होंगे। तो दोस्तों, इसमें 3 डॉक्टर स्ट्रेंज और साथ में वांडा भी आपको दिखाई देगी। विजन की सीरीज का इस मूवी से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो अगर ये आप मूवी देखना चाहते हैं तो उस मूवी का आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा। मैं भी जानता हूँ, मुझे भी इस मूवी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो देखते हैं कि हमारी जो रूमर हैं वो अभी रूमर जो उड़ रहे हैं क्या वो दुरुस्त होते हैं या नहीं। तो दोस्तों, जो टॉम क्रूज थे उन्हें सबसे पहले एज ए आयरन मैन के लिए उन्हें बुलाया गया था कि वो एज ए आयरन मैन का रोल अदा करें। तो दोस्तों, उस वक्त जो कंडीशन थी वो कुछ अच्छी कंडीशन नहीं थी, जिसकी वजह से टॉम क्रूज ने ये रोल अदा करने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर थे उन्होंने इस रोल को अदा किया और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस रोल को अदा किया भी था। और दोस्तों, जो एवेंजर एंड गेम है उसमें उनकी यानी कि आयरन मैन की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से फैंस बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। और इसलिए जो एमसीयू वो अब एक यानी कि आयरन मैन के दूसरे वेरिएंट को इस मूवी में कैमियो अदा करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है।